नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है मृदा यानी कि सॉइल। मृदा क्या है? मृदा हमारी भूमि है, मृदा हमारी मिट्टी है। इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं और फसलें भी यहीं पर उगती हैं। अगर मृदा ना हो तो फसलें कैसे उगेंगी, हमें खाना कैसे मिलेगा? अगर मृदा ना हो तो कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। आज हम इसी विषय मृदा के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, अब हम पता करते हैं कि आज हम क्या चर्चा करेंगे। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा परिच्छेदिका, मृदा के प्रकार, मृदा द्वारा जल का अवशोषण और मृदा और फसलें। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना पहला विषय देखेंगे जो है मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में कौन बच्चा नहीं खेला होगा? जब हम वर्षा ऋतु में बाहर मिट्टी में खेलते हैं तो हम यह देखते हैं कि मिट्टी में बहुत से अलग अलग तरह के जीवाणु हैं। मृदा में आपने केंचुए, चींटियां, भृंग, झिंगूर वगैरह देखे ही होंगे। हम अक्सर देखते हैं कि चाहे मौसम कैसा भी हो, मृदा हमेशा जीवन से भरपूर रहती है। मित्रों, अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं जो है मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल। यहाँ बगल में आप जो चित्र देख रहे हैं यह मृदा परिच्छेदिका को ही दिखा रहा है। आइए अब मैं आपको इस चित्र के अलग अलग भागों के बारे में बताता हूँ। मृदा अनेक परतों से बनी होती है। अब हम यह जानेंगे कि ये परतें किस तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। मेरे हिसाब से आपको यह शब्द हमेशा याद रहना चाहिए, संस्तर स्थितियां। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति जो कि गहरे रंग की होती है, यह इसलिए है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिजों से यह वाली संस्तर स्थिति समृद्ध होती है। इसी को हम शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा अनेक जीवों को आवास देती है। चलिए मित्रों, अब हम नीचे की परतों के बारे में जानते हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस थोड़ी कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघर्ष होती है और इसे बी संस्तर स्थिति कहते हैं। इसका दूसरा नाम मध्य परत भी है। तीसरी परत यानी कि सी संस्तर स्थिति जो दरारों और विद्रों युक्त शैलों की छोटे ढेरों से बनी होती हैं। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। मित्रों, अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर आगे बढ़ते हैं जो है मृदा के प्रकार। शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। जैसे कि आप किसी रेगिस्तान में जाएं तो आपको जिस तरह की मिट्टी दिखती है वो असल में होती रेत है, लेकिन उसे ही हम बलुई मिट्टी कहते हैं। यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है, जैसा कि आप अपने अगल बगल के पार्कों खेतों में देख सकते हैं, उसमें
मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, वह रेत की तरह हाथ से फिसलती नहीं। इस तरह की मिट्टी को हम मृणमय मृदा कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर हो तो यह ना तो बलुई मिट्टी है ना ही मृणमय। इसका हम नया नाम देते हैं जो है दुमटी मृदा। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय, इन तीन वर्गों में हम मृदा को विभाजित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मृदा द्वारा जल के अवशोषण के बारे में, यानी कि वाटर अब्सॉर्प्शन बाई सॉइल। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए अब हम इसी के बारे में जानेंगे। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? जैसा कि शोधकर्ताओं ने पाया है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा जल अवशोषित करती है मृणमय मृदा यानी कि क्लेई सॉइल, फिर उसके बाद करती है दुमटी मृदा जिसे हम लोमी सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और आखिरी में सैंडी सॉइल जो कि बलुई मिट्टी है वह सबसे कम जल अवशोषित करती है। अब हम आज के अपने आखिरी विषय के बारे में बात करेंगे जो है मृदा और फसलें, सॉइल एंड क्रॉप्स। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहीं पर हमें मृणमय मृदा मिलती है, कहीं पर दुमटी, और कई ऐसी भी जगह होती है जहां बलुई मृदा ही पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा बहुत तरीके से प्रभावित होती है, और इन्हीं अलग अलग तरीकों से जो मृदा प्रभावित होती है इससे ही हमें यह जानने को मिलता है कि यहाँ पे किस तरह की फसलें अच्छी होंगी। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं यानी कि वीट और चने यानी कि पीज जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त तो होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण शक्ति अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ पे हम मृणमय और दुमटी मृदा का काम लेते हैं। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ का से समृद्ध होना मृदा के लिए आवश्यक है, तथा अच्छी तरीके से जल धारण क्षमता भी होनी चाहिए, वैसी मृदा ही धान के लिए आदर्श है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा का होना जरूरी है, क्योंकि इनमें जल की निकासी आसान होती है। कपास के लिए बलुई या फिर दुमटी मृदा दोनों ही चल जाएंगी, लेकिन दुमटी मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें जल की निकासी आसान हो और पर्याप्त परिमाण में वायु धारण करती हो। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। मित्रों, अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरी वीडियो बड़े ही ध्यान से देखा और सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।